आपने कितना अच्छा काम किया है, ठीक है, ऑन योर मार्क गेट सेट गो, चलो। तो आप लीडर आ जाइए, बताइए अभी आपको क्या दिखाया था। What was the problem here? You know, 58% of our communication is non-verbal. Only 5% is verbal. आपके एक लेवल ऑफ लीडरशिप से दूसरे लेवल ऑफ लीडरशिप से तीसरे लेवल ऑफ लीडरशिप तक जब आपकी मैसेज जाती है तो इज इट गोइंग इन द प्रॉपर मैनर। तो 100% कम्युनिकेशन में खाली 5% वर्बल होता है, उसमें भी 50% आपका दिमाग का चल रहा है, तो आप क्या सुन रहे होंगे, 1%। सो आवर कम्युनिकेशन विथ आवर कलीग्स आर नॉट 100%। सो हाउ कैन यू एंश्योर दैट यू आर फुल्ली प्रेजेंट, द इंफॉर्मेशन वॉज नॉट डिलीवर्ड प्रॉपरली इन द करेक्ट मैनर। कि हमको अगर कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो हमको ये भी चेक करना है कि सामने वाले को समझा कि नहीं। क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट क्वान्टिटी। क्या आप कम्युनिकेट करने के बाद तैयार करते हो? वाई शुड यू वेस्ट योर गोल्डन वर्ड्स? सो प्रिपेयर टू कम्युनिकेट, दिखा दो उसको आपके पास। बिकॉज जब तक रहेगा आपके अंदर कुछ ना कुछ बीमारी आएगी, या तो कुछ ना कुछ इमोशनल अपहीवल होगा और हम डिप्रेशन में जाएंगे। सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू रिमेन कनेक्टेड। और आपके वर्क प्लेस से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे मिलेगा? सो बिल्ड कनेक्शंस एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नो दैट मेरा लक्ष्य वहां है और मैं वहां पहुंच रहा हूं। तो जब मैं यहां हूं मैं खुद को वहां पा रहा हूं। This is Akash Singh and he is a very sincere and dedicated student of Management Me School of Confidence. Basically, what is self-confidence? Can anyone explain? Basically, a consciousness or a voice that tells us don't give up or never lose hope. That helps us to move on even if we have lost hope, to continue in our journey and achieve success. Let me share a story with you guys. आत्मविश्वास हम सबके अंदर है, बस हमें उसे जागरूक करना होगा हमारे अंदर से। मैनेजमेंट मी के जरिए मैंने अपना ट्रेनिंग किया और अभी मुझे अच्छे से आज आपके सामने हूँ और कल मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मेरा उसमें अच्छे से सिलेक्शन हुआ MET में MBA। द ओनली थिंग दैट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज, या सहानुभूति और सह अनुभूति, इसका क्या फर्क है? सो यू योर सेल्फ हैव टू बी लाइक अ साधु। द वे यू डू समथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। सो ये तीन चीजें हैं जो आपको सक्सेस के शिखर पर ले जा सकते हैं। एक है सेल्फ बिलीफ, सेकेंड है सेल्फ कॉन्फिडेंस और तीसरा है कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। खुद पे भरोसा है, खुद पे विश्वास है और आपकी बात को सामने वाले तक आप पहुंचा सकते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। प्रिपेयर टू कनेक्ट, सो व्हाट विल यू स्टार्ट, व्हाट विल यू स्टॉप एंड व्हाट विल यू कम्युनिकेट। तो आपको ऑडियंस को निगलेक्टेड फील नहीं होने देना है। व्हाट विल यू स्टॉप इन योर कम्युनिकेशन? सो जितना बोलना है कम बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, इम्पैक्टफुल बोलो। सो आई एम सो हैप्पी दैट टुडे आई एम विद ऑल ऑफ यू। और आप अलग अलग जगह से आए हैं, राजस्थान से और MP से, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। आप इतने पार्टिसिपेटिव थे, मुझे एक मोमेंट के लिए भी लगा नहीं कि आपका आप डिस्ट्रैक्ट हुए कि आप नहीं हो यहाँ पे। सो वी वर ऑल टुगेदर एंड आई ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वॉट एवर आई हैड सेड। आई एम श्योर दैट यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग। यस सो मच मैम। एक्चुअली वी वर एक्चुअली लॉन्गिंग फॉर दिस टाइप ऑफ लेक्चर फॉर क्वाइट लॉन्ग। दिस लेक्चर्स एक्चुअली टीचर्स अस हाउ टू लीव, हाउ टू कम्युनिकेट। बेसिकली इन आवर डे टू डे लाइफ वी टेंड टू फॉरगेट ऑल दिस।
these things are neglected. Wonderful. Stupendo, fantabulously fantastic. Informative. Team one. Jabardast.